भाजपाली अंतर्गत आने वाले बारसे नगर संभाग से एक सेंधमारी की घटना सामने आई है। जानवाज से नहीं नानी के घर पर डाका डाला और मुद्देमाल लेकर फरार हो गया। जब पुलिस ने कार्यपरायणता का परिचय देते हुए 3 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना की पार्श्वभूमि पर प्रकाश डाले तो दिखाई देता है कि मामले में निहित आरोपी 22 वर्षीय आदित्य और दिल्ली विकार बब्बर बचपन से ही अपनी नानी वर्तमान में 70 वर्षीय राधिका साध्वी के घर बारसेनगर पाशवाली में रहता था, जिससे कि उसे नानी के हर एक बात का पता था कि आखिर नानी की पूंजी किस बक्से में कैद है। उसी तरह नौजवान होने के बाद भी आदित्य कई बार नानी से पैसों की मांग करता था, लेकिन उसकी बिगड़ी आदतों के कारण नानी हर बार उसे टाल देती थी। फिलहाल फिरियादी राधिका साध्वी अकेले ही घर पर रहती है, तो वही उसी के समीप आरोपी आदित्य भी किराए के घर में रहता है। अकेली होने के कारण फिरियादी कभी कभार पड़ोसियों के घर पर रात को सोने चले जाती थी। उसी तरह कल रात राधिका साल्वी अपने पड़ोसी के घर पर सोने गई। उसे पेश अंदाजतन रात 11 बजे के करीब आरोपी आदित्य अपने नानी के घर पर घुसा। उसने ताला तोड़ा और नानी की तिजोरी से सोने के जेवर और कैश लेकर फरार हो गया। फरियादी सुबह करीब 10 बजे जब घर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सारा सामान तहस नहस है और उनकी तिजोरी से सोने के जेवर आदि गायब है। वैसे तो नवासे की हरकतों के कारण उन्हें शक था और उसी के बिना पर उन्होंने पाशपाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके तुरंत बाद आरोपी 22 वर्षीय आदित्य और दिल्ली विकार बब्बर को 3 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से सोने का हार, नथनी, अंगूठी समेत 15,000 ऐसा कुल मिलाकर 97,500 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। बारसेनगर येथील राधिका साळवे म्हणून एक आजी आहे, ते आजीच्या घरी कोणी नाही म्हणून बाजूला झोपायला गेली, तेवढं संधी साधून आजीचा नातूच तर दरवाजा तोडून कुलूप तोडून ते आजीचं एक काळीपोत, सोन्याची अंगठी, सोन्याची नथ आणि ठेवलेले 15,000 रुपये असे मुद्देमाल चोरून नेलेले आहे। तर डी बी पथकांनी त्या नातूचा शोध घेऊन तोच असू शकतो म्हणून त्याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केले, त्याच्याकडून सर्व पूर्ण टोटल चोरीस गेलेला मुद्देमाल 97,500 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केले आणि त्यांना अटक करून मान्य न्यायालयात पाठवले। आदित्य उर्फ दिल्ली विकार दरबार वय 22 वर्षाचा आहे, तो बारसेनगरचाच आहे। त्याच्याबद्दल 363 मागच्या महिन्यात गुन्हा होता, आम्ही त्याला दिल्लीवर मुंबईवरून ताब्यात घेतला होता आणि त्याआधी 392 पण आहे, हत्यार कायद्याचे पण 2 गुन्हे आहे। टोटल हा गुन्हा पकडून 6 गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत। फालतूचे कामगिरी करणारा उडान टप्पू गुन्हेगार असल्यामुळे त्याला आजीचं माहिती होती, आजीला आता मधून पैसे मागितलं तर आजी प्रत्येक वेळ पैसे देत नव्हती, त्याच्यामुळे आजी कुठं पैसे ठेवायची किंवा मंगळसूत्र कुठं ठेवायचं ते त्याला माहीत होतं। त्याच्यामुळे आजी जेव्हा बाहेर असल्याची संधी साधून त्यांनी तो नातूच ताला तोडून पेटीमधून सर्व सामान नेलं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।